जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी को पता चल चुका होगा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 7,000 प्लस यानी 7,547 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी में से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हाँ, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक अलग का ही क्रेज होता है। आपको देश की राजधानी में काम करने का मौका मिलता है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अदर स्टेट की पुलिस में आपको नहीं मिलती है, जो दिल्ली पुलिस आपको देती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने से लेकर के दिल्ली पुलिस की पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उन चीज़ों को क्लियर करना है, डॉक्यूमेंट्स में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, डीएल आपको चाहिए, डीएल कैसा होना चाहिए, क्या लर्निंग चल जाएगा या फिर नहीं चलेगा, तो इन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए जानते हैं स्टार्ट से, हम सभी लोग एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, एसएससी ने जो अपना कैलेंडर जारी किया है, यानी कि दिल्ली पुलिस की अगर हम उसमें बात करें, तो इसका जो आवेदन है वो 1 सितंबर यानी कि 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। अगर हम बात करें कि किस दिन तक हम पेमेंट कर सकते हैं, तो वो 30 सितंबर ही इसका लास्ट डेट है, रात को 11 यानी कि 2300 बजे तक। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं। इसके लिए इसने 2 दिन आपको दिए हुए हैं, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। इन 2 दिनों में आप अपने फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसका आप करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा है इसमें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो सीबीई होने वाला एग्ज़ाम होगा वो इन्होंने इसमें दिसंबर दी। आप एक बार सोच रहे होंगे कि सर, कैलेंडर में तो नवंबर में एग्ज़ाम इन्होंने बताया है कि हम करवाएंगे, यहाँ पर इन्होंने दिसंबर दिया है। तो हो सकता है कि कैलेंडर जब इन्होंने जारी किया तो पहले इन्होंने सोचा होगा कि हम नवंबर में एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन हो सकता है कि बाद में इन्होंने ऐसा सोचा हो कि थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेट कर देते हैं, तो दिसंबर इन्होंने यहाँ पर दे दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नवंबर में कराते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो नवंबर मान करके ही तैयारी करने वाले हैं, और अगर दिसंबर में करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, ठीक है, और उसकी लास्ट डेट कब है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज की, तो देखो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी है वो 18 से 25 साल तक, यानी 18 से 25 साल तक किसी की भी उम्र हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो आपको 3 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल का देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एज की बात। सिलेबस की हम लोग बात बाद में करते हैं, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेज से आपको गुजरना होता है ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आप क्या होगा, फॉर्म भरोगे, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा जिससे आप अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे। एग्जाम आपका कंप्यूटर पर होने वाला है। एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे, एग्जाम के बाद में एक कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ लगने के बाद में आपको बुलाया जाएगा पीई और एमटी के लिए। पीई और एमटी क्या होता है, जैसे यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, जैसे आपको डीवी पीएसटी होता है और पीईटी होता है, यानी हमारा जो फिजिकल टेस्ट होता है, वैसे ही जो दिल्ली पुलिस में होता है उसको पी एंड एमटी कहा जाता है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मीजरमेंट। इसमें क्या क्या होता है, और ध्यान रहे पीई और एमटी जिस दिन होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो अगर हम बात करें कि सर इसमें क्या होता है, तो इसमें आपकी रनिंग होनी है। रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर की, बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1600 मीटर की रनिंग आपको करना है 6 मिनट के अंदर। 6 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। अगर आप रनिंग कर लेते हैं, यानी कि रन दौड़ में अगर आप पास हो जाते हैं, फिर आपको लॉन्ग जंप कराया जाएगा उसी दिन। बॉयज़ के लिए लॉन्ग जंप है 14 फीट 14 फीट, ठीक है। उसके बाद में हाई जंप 3 फीट 9 इंच तक आपको वहाँ पर कूदना होगा, जिसमें आपको रनिंग के लिए केवल एक ही चांस दिया जाएगा, लेकिन जो आपका हाई जंप है और लॉन्ग जंप है इसके लिए आपको 3 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप पहली बार फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, दूसरी बार भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो तीसरी बार भी आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो फिर वो लोग आपसे कह देंगे कि भैया आप अपना सामान उठा लो, घर चले जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 बार में किसी ना किसी तरीके से आपको फिजिकल अपना कंप्लीट करना ही करना है। अगर हम बात करते हैं मेल के लिए कि मेजरमेंट टेस्ट में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो आपकी हाइट और चेस्ट, ये चीजें नापी जाएंगी। हाइट की अगर हम बात करें 170 सेंटीमीटर आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी हो वो अगर हिल एरिया का है, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने देकर के रखी है कि हिल एरिया में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का छूट देखने को मिलेगा। और अगर आपके पेरेंट्स या फादर हो या मदर हो, कोई भी हो, अगर वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का छूट देखने को मिल जाएगा हाइट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, तो 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, 4 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए, यानी फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर और बिना फुलाव के साथ में नॉर्मल जो चेस्ट आपका मेजर किया जाएगा वो होना है 81 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये तो हो गई बात बॉयज़ की। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, रनिंग आपकी उतनी होनी है 1600 मीटर का, टाइम आपको यहाँ पर 8 मिनट का दिया जाने वाला है, ठीक है। लॉन्ग जंप बॉयज़ का 14 फीट था, यहाँ पर लड़कियों को केवल 10 फीट लगाना है, ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप की बात करें तो 3 फीट, ये लड़कियों के लिए बहुत है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल काफ़ी टफ है, ये इजी नहीं है, ठीक है। तो इसको हल्के मत लेना, तैयारी आपको बहुत ही अच्छी करनी होगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लड़कियों की कि यहाँ पर उनका जो हाइट है वो कितना होता है, तो हाइट की अगर हम बात करें गर्ल्स की तो 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का छूट मिलता है अगर आप हिल एरिया के हैं तो। SC और ST की जो भी महिला कैंडिडेट है उनको 2 सेंटीमीटर का छूट यहाँ पर मिलेगा, और अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा छूट देखने को। तो ये तो बात हो गई हमारी फिजिकल की कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब मान लो आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपका कराया जाएगा मेडिकल। और मेडिकल में सबसे बड़ी समस्या एक चीज़ आती है, देखो मेडिकल में जो नॉर्मल चीज़ें चेक होती हैं वो तो आप जानते ही हैं, हमारा हाथ हो गया, नोकनी, फ्लैट फूट, कान, नाक, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो होती है सर टैटू। इसमें इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि जो टैटू है वो चल जाएगा, लेकिन जो आपका सेल्यूटिंग हैंड है उसमें टैटू नहीं होना चाहिए, यानी कि जो राइट है जिस हाथ से आप सैल्यूट करते हो इसमें कहीं भी कोई भी टैटू कितना भी छोटा क्यों ना हो वो अलाउ नहीं करेंगे ये लोग। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। इतने में आप अगर ये तीनों चीजें आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। अब एग्जाम आपको कैसे क्वालिफाई करोगे, इसके लिए आपको आपका सिलेबस क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर है आपके पास, आप सभी जानते होंगे अगर आप इसके पहले से तैयारी कर रहे हैं तो, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है वो है आपका GK, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर इन्होंने दिया है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और 100 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर का होता है। फिर आता है आपका कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का होता है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आप इसमें से 2 चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और वो है MS Word एंड MS Excel, ठीक है। और जो कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स होते हैं इनको अगर आप बढ़िया से तैयार कर लोगे तो आप 6 से 7 क्वेश्चन बड़े आराम से यहाँ पर कर पाओगे। इन सभी को करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो कि बहुत है आपके लिए, ठीक है, अगर आपकी स्पीड बढ़िया है और आपकी तैयारी बढ़िया है। एक चीज़ और यहाँ पर है वो है नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्योंकि ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को गेस भी कर सकें अगर हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नहीं है, 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कटते हैं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो। तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है, उम्मीद है सिलेबस भी आपको समझ में आ गया होगा और आप बेहतर तैयारी करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो सभी जगहों पे चाहिए, आपका जो आधार कार्ड यानी कि कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र आपका चाहिए, उसके बाद में जो आपका क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है उसके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे उनको चाहिए, ठीक है, मतलब हाई स्कूल हो गया, 12th हो गया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, वरना तो 12th पास पे जॉब है जैसे हो रहा है कि आपको केवल 12th तक ही देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में जो आप छूट चाहते हैं, जैसे अगर आप OBC से हैं तो OBC को आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप OBC से हैं, कैसे करेंगे, OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जैसे NCC हो गया, ABC कोई भी सर्टिफिकेट हो चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात और वो है DL की, कि DL क्या चाहिए सर, और चाहिए तो फिर कब चाहिए, क्या फॉर्म भरते समय ही हमको DL चाहिए, तो देखो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका DVPST होगा यानी कि PE and MT होगा, यानी कि आपका फिजिकल जिस दिन होगा उसी दिन आपके हाथ में आपका DL होना चाहिए, और वो भी उन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि लर्निंग DL नहीं चलेगा, वो LMV हो सकता है, चाहे मोटरसाइकिल का हो या फिर कार का हो। तो अगर आपने अभी तक DL नहीं बनवाया है तो DL अपना जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि अगर DL नहीं होगा तो आप एग्जाम में कितना भी बढ़िया स्कोर क्यों ना करें आपको दिल्ली पुलिस की जॉब नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी स्टेट के हैं और किसी भी कैटेगरी के हैं, दिल्ली पुलिस भी आपको उसी कैटेगरी में मानती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, जैसे अगर हम लोग यूपी के हैं, ठीक है, अगर आप यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो ये वहाँ पर एलिजिबल नहीं है, उसके लिए आपको सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, तो जैसे ये स्टेट वाला बनता है वैसे वो भी बनेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी फॉर्म को भरना थोड़ा केयरफुली भरना, ध्यान से भरना,
ताकि करेक्शन की कोई गुंजाइश ही ना रहे कि हम बाद में करेक्शन करवा लेंगे। मैं बता रहा हूँ केवल यही चेक मत करना कि मेरे पापा का नाम है वहीं लिखा हुआ, एक एक स्पेलिंग तक मिला लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, बच्चों की नौकरियां इसी वजह से फंस जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बेहतर रणनीति लेकर के आऊँगा कि कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।